सो फिलहाल सुबह के बज रहे 6 और जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा है। कहानी में बने रहो, घर से तो मैं निकल चुका हूँ और इस कहानी को देखते देखते अभी हम लोग पहुँचे हैं हमारे सिटी सेंटर के पास। और यहाँ से मेरे दोस्त का घर करीब करीब 2 किलोमीटर पड़ता है, तब इसके पास जाते हैं। फिलहाल तो स्कूटी चलाने का मज़ा ही अलग है। सुबह में स्कूटी चलाने का अलग ही एक राइड वाला है और राइडिंग पे जो चीज़ें होती है वो मैं कैरी नहीं किया, लेकिन लेकिन कैरी करूँगा जब प्रॉपर मेरा सब कुछ होगा, सारे कुछ प्रॉपर होंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। वो राइडर जैकेट होगा, ग्लव्स होंगे, ये सारे कुछ होंगे। फिलहाल मौसम बहुत ही अच्छा है और इस मौसम में तो आप लोगों को पता है कि चाय का चुस्की हो जाए तो बहुत ही बढ़िया मिलेगा हम लोग को, चाय का चुस्की मिलेगा तो। और मेरे को ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है, आई लव धनबाद। पहले तो मैं लव नहीं कर रहा था अपने धनबाद से, क्योंकि मेरे को मेट्रो सिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और डेवलपमेंट की बात करो तो धनबाद में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई है, ना के बराबर तो नहीं बोल सकता। स्कूटी चलाते वक्त काफ़ी ठंड लग रही है, मेरे हैंड जो है अलग ही मूवमेंट है, फिर भी सफर में हो गई चेंजेस। और हम लोग जा रहे हैं कार से, क्योंकि भाई जो हुआ ना प्रॉब्लम ये वाली बात मैं इससे क्यों बात कर रहा हूँ, मैं लग रहा है अलविश यादव जैसा फिर आ रहा मेरे को। प्लान में ये हो गए चेंजेस ब्रो, क्योंकि विशाल का जो KTM है ना वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो गया था। मैंने उठा था 5 बजे, इसने भी उठा था 5 बजे, शक्ल इसकी देखो कैसी हो गई। भाई पूरा प्लान एकदम सॉर्टेड था, बस एंड मोमेंट पे बाइक जब स्टार्ट करने गया तो उसमें कुछ लाइट आ गया, उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हो रहा, मतलब मैं सेल्फ मार रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा। और आपको पता है KTM जैसे बाइक में तो किक रहता नहीं, क्योंकि किक से स्टार्ट हो जाएगा। और देख सकते हो मैं पूरा रेडी ट्रैक पूरा एकदम रेडी था, ट्रैक सूट ये सब पहनकर, और बैग भी मैंने रेडी कर लिया था, रात को GoPro भी चार्ज पे लगा दिया था, लेकिन एंड मोमेंट पे मुझे कार निकालना पड़ा। सो सनराइज हो रहा है, उसका हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग ने सोचा था इस बार एक सिनेमेटिक वीडियो शूट करा जाए, लेकिन भाई देर से ही दुरुस्त ऐसा बोला जाता है। तो फिलहाल फिर कभी मैं वैसा सिनेमेटिक कोई नहीं, आज जब निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो आज कुछ ना कुछ ब्लॉग बन ही रहा। सो ब्लॉग में बने रहो, एंजॉय करो। अभी सुबह के बज रहे 6:50 और 6:50 में सनराइज हो रहा है और काफ़ी अच्छा सनलाइट मेरे स्किन पे आ रहा है और एक नेक्स्ट लेवल वाली बात होती है। हमने जो ट्रिप का प्लान सोचा है वहाँ पे ज़्यादा मैं सनराइज सनसेट ऐसा कुछ सिनेमेटिक टाइप दिखाऊंगा, एंड मेरा भी मन है कि एक सिनेमेटिक वीडियो आप लोग को पेश करूँ। जैसे बोलते ना कि बढ़िया सा खाना को एक अच्छा सा सजावट में मैं आपको पेश करूँ तो कैसा लगता है, खाने में बहुत ही अच्छा, खाने में नहीं उस देखने में बहुत यूनिक लगता है। उसी तरह मैं अपने सोच रहा हूँ मैं सिनेमेटिक वीडियो आप लोग को दूँ एंड बी रोल शूट करूँ। काफ़ी चीज़ें मैं रिसर्च कर रहा हूँ एंड काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ और उसको अप्लाई करके आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊँगा अपने ब्लॉग में, एंड मैं बहुत कोशिश करता हूँ। बस एक कोशिश आप लोग से ये है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, अंश करेंगे सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों को अलग अलग जगह घुमा सकूं, अलग अलग सिटी घुमा सकूं, सिनेमेटिक शॉट्स हो, काफ़ी चीज़ें अच्छे हो, पॉजिटिव वाइब्स हो, ये सारी चीज़ें। सो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप, येल्लो कलर हो गया है तो पेट्रोल को पहले लेते हैं एंड फिर आगे बातें करते हैं।
भाई मैं कार में, जब कार थोड़ा ड्राइव हुआ तो थोड़ा सा नींद आया, और थोड़ा सा नींद आने के बाद पूरा सो चुका हूँ। एंड आप लोगों को आग देखने को मिल रहा होगा, आग मेरी थोड़ी सूजी सूजी है। एंड अभी जो हम लोग लोकेशन पे आए हैं वो धनबाद का बहुत ही बड़ा लोकेशन है, वो एयरपोर्ट है जहाँ पे ये हेलीपैड उतरता है। जो भी आते हैं, जो मंत्री संतरी लोग आते हैं, तो यहाँ पे वो हेलीपैड को उतारा जाता है। ये भी एक नेक्स्ट लेवल है हमारे झारखंड में भाई साहब, जो कि बलियापुर में है। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट वो। एंड उधर देखो वो सारा तार का पेड़, वो उसका सिनेमेटिक व्यू बहुत ही अलग आता है गाइस। सो सुबह सुबह सनराइज़ देखने का एक अलग ही लेवल होता है। और भाई ने भी सनराइज़ देखा, मैंने भी देखा, और आप लोग ने भी देखा होगा अपने घर के बालकनी से, टेरेस से, कुछ नेक्स्ट लेवल होता है। एंड हमने जैसा सोचा नहीं हुआ वैसा प्लान, मे बी फिर कभी होगा। सो विशाल अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं भाई, देखो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं, देखो कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर उतरता है, तो सोचा कि चलो यहीं पे चलते हैं। और आज करण कार चलाएगा, तो आज तुम्हारा भाई कार चलाएगा। ऐसे ऐसे चलाएगा कि कैसे चलाएगा वो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहना, बहुत ही मजे ब्लॉग। खोल खोल, कैसा लगा भाई गाड़ी चला के? गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है, नेक्स्ट लेवल लगा। हाँ, और चलाते चलाते काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया मेरे को एक ही दिन में बेसिकली मैं फोर व्हीलर कभी मतलब ड्राइव किया हुआ बहुत ही ज्यादा, मतलब कभी इससे पहले नहीं किया था किया भाई, ट्रेनिंग इसको हाँ हाँ ट्रेनिंग इसको समझ रहे। तो भाई को काफी ज्यादा जो है अच्छा लगा, चाबी बंद करना आवाज आ रहा है, एक्साइटमेंट हुआ चलाकर। और भाई थोड़ा नर्वस भी था पहले, लेकिन मैंने करण को बोला कि करण नर्वस मत हो, मतलब चलाने में पहले पहले में लगता है बट हो जाएगा। जैसे कि करण अभी गाड़ी बंद कर दी, तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ये नहीं है, गाड़ी बंद हो जाता है, पहले मेरा भी बहुत बार बंद हुआ है। और कुछ बोलना चाहेगा करण? जो नेक्स्ट कार होगा वो हाहाकार होगा, नेक्स्ट लेवल। क्या वो वेटिंग बहुत ज़्यादा है भाई, उसका वेटिंग है और वो बहुत ही जल्द लिया जा रहा है और बहुत ही लग्जरियस है, और बहुत ही लग्जरियस है। एंड उसका नाम ही है लग्जरी लाइन। एंड हम लोग शादी करने जा रहे हैं कहाँ जा रहा है, सूट पहन के जा रहा हूँ। तो मैं और विशाल अभी रुके हुए चाय का ब्रेक लेने आ गए, और चाय का ब्रेक आप लोग जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा, पता नहीं क्यों, उससे विशाल से क्या नींद क्यों आ रहा भाई, पता नहीं लगता रात को तुम सोया नहीं है। और वैसे ही पता नहीं करण को इतना नींद क्यों आता है, क्यों आता है भाई ये तुम्ही को मालूम है। नींद हमको बहुत ज़्यादा प्यारा है नींद, इसीलिए इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों की ब्रेकफास्ट मैं नहीं किया था, सुबह मैं 6 बजे ही निकल गया था घर से। एंड माय फर्स्ट ड्राइव, क्योंकि पहली बार मैंने कार चलाया, लेकिन कार चलाना जानता हूँ लेकिन उस तरह परफेक्शन नहीं, वीडियो बनाना जानता हूँ लेकिन उस परफेक्शन नहीं। परफेक्शन इंपॉर्टेंट होता है अपने लाइफ में, क्योंकि अगर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा रिसेंटली बहुत ही परफेक्शन के साथ, और परफेक्शन इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, क्या बोलूँ, परफेक्शन पर बहुत सारा डिफाइन हो सकता है। वीडियो का लेंथ लंबा ना करूं, इसलिए परफेक्शन इंपॉर्टेंट है, इतना ही समझ लो। एंड कार ड्राइव करके बहुत ही मज़ा आया, परफेक्शन लाऊंगा और भी सीखते सीखते। एंड आप लोग को देखने को मिलेगा नेक्स्ट से नेक्स्ट ब्लॉग में। सो क्योंकि जो मेरा ड्रीम कार आने वाला है, तो उसके लिए भाई परफेक्शन तो चाहिए, और परफेक्शन नहीं होगा तो कार कहीं स्क्रैच हो जाएगा तो क्या होगा। इस चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सपोर्ट चाहिए आप लोगों के लिए। प्लीज़ बोलता हूँ भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन है नीचे, सब्सक्राइब कर दो। एंड आज के ब्लॉग वीडियो करते हैं यहीं पिन। होप यू टुडे एंजॉय द ब्लॉग, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।